हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के एसीबी प्रद्युमन के बारे में। जी हां दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में भी एक एसीबी प्रद्युमन छुपा हुआ है। क्या आप जानते हैं वो कौन है? कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो टेक्निकल एनालिसिस का एसीबी प्रद्युमन है वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्निकल एनालिसिस में। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन में आप चार चीज़ें देखते हो, ओपन, हाई, लो, क्लोज, और इन चार चीज़ों के बाद आता है नंबर वॉल्यूम का। तो पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर टेक्निकल एनालिसिस में कुछ है तो वो है वॉल्यूम। तो इस वीडियो में हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम क्यों इम्पॉर्टेंट है ये देखेंगे, और वॉल्यूम कैसे एसीबी प्रद्युमन का रोल प्ले करता है और आपको बचा सकता है या आपके लिए पैसे भी बना सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ वॉल्यूम? तो वॉल्यूम इज़ द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ सिक्योरिटी दैट ट्रेड हैंड्स ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई भी टाइम फ्रेम ले लीजिए और उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो भी शेयर्स लिए या बेचे गए हैं, दैट इज़ द नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहाँ पे वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन चार्ट्स में या नॉर्मल डेटा में अवेलेबल है। तो ये सभी जगह पे कॉमन चीज़ें रहती है और आपको ये सारी चीज़ें एक्सचेंज ही से ही मिलती है। अब इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वॉल्यूम के बारे में वो है कि वॉल्यूम happens when a buyer and a seller meet. तो for every buyer there is a seller. और जब ये दोनों किसी एक प्राइस पे अपनी ट्रांजेक्शन या अपनी डील करते हैं तो तब जाके वो वॉल्यूम होता है या वॉल्यूम काउंट होता है। फिर इसके बाद वॉल्यूम इंडिकेट्स द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतनी ज़्यादा एक्टिविटी और उतना ज़्यादा लोगों का उस पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्ट। और जैसा कि मैंने पहले बताया, वॉल्यूम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आफ्टर प्राइस। तो वाई इज दिस द केस, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। सो वाई इज वॉल्यूम इम्पॉर्टेंट? तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसलिए इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके टेक्निकल एनालिसिस में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इन गुड वॉल्यूम एंड गुड लिक्विडिटी स्टॉक्स आर हायर। तो जहाँ पे मास पार्टिसिपेशन है, जहाँ पे बहुत सारे लोग किसी एक सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, वहाँ पे आपको पैसे बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रादर देन अगर ऐसा कोई स्टॉक हो जहाँ पे कोई एक या दो लोग या कह सकते कि ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, तो वहाँ पे वॉल्यूम आपको हेल्प नहीं करेगा। तो आइडियली व्हाट यू मस्ट डू इज पिक स्टॉक्स विच आर हाई वॉल्यूम स्टॉक्स और जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो CNX 500 इज़ अ बास्केट वेयर यूड गेट मैक्सिमम लिक्विडिटी। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ये बास्केट ज़रूर फॉलो कीजिए या इसी में आप टिके रहिए। इसके बाद आता है वॉल्यूम गिव्स यू इनसाइट्स अबाउट द ट्रेंड एंड इट्स लाइकली डायरेक्शन अहेड। आगे जाके कैसा ट्रेंड रहने वाला है, इसके बारे में वॉल्यूम आपको काफ़ी सटीक जानकारी दे सकता है। तो ये हम आगे देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। और फाइनली वॉल्यूम आपको ये भी बताएगा कि अगर कुछ गड़बड़ है, जैसा कि एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, तो ये चीज़ वॉल्यूम आपको बता सकता है। तो इसीलिए वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। तो चलिए अब देखते हैं वॉल्यूम क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक वॉल्यूम की जो है वो है वॉल्यूम कैन कन्फर्म द ट्रेंड। अब इसका मतलब क्या, तो ये आपके स्क्रीन पे एक मैंने इलस्ट्रेशन प्लॉट किया है। यहाँ पे प्राइजेस बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो अगर ये दोनों चीज़ें साथ में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम इज़ कन्फर्मिंग द ट्रेंड। किसी भी स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? द टू थिंग्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज that there should be more buyers than sellers and there should be more enthusiasm amongst the buyers than the sellers. तो अगर price बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि there are more buyers than sellers, और अगर volume भी साथ साथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि उनमें enthusiasm ज़्यादा है, वो हर बढ़ते price पे stock खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं। तो this is a very good sign for a stock. तो अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो ये है CDSL का एग्जाम्पल विच वॉज बिटवीन ऑगस्ट 2019 एंड
मार्च 2020। तो जैसे कि आप देख सकते हो CDSL में हर एक कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट आता था तो वो ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ आता था। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, जो हर एक एरो आप देख सकते हो नीचे है वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम के बार्स, और जिस दिन स्टॉक ऊपर बढ़ा है तो वो बढ़ते वॉल्यूम के साथ बढ़ा है। इसका मतलब कि प्राइस भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ा, विच इज़ अ गुड साइन। तो दिस इज़ द आइडियल सिनेरियो विच यू वुड एक्सपेक्ट इन अ स्टॉक विच इज़ राइजिंग। तो जब तक ऐसा ना हो तब तक थोड़ा डाउटफुल है कि स्टॉक आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉलिंग प्राइजेज और राइजिंग वॉल्यूम्स का। जी हाँ, जब प्राइस गिर रहा हो और वॉल्यूम्स बढ़ रहे हो तो दैट इज़ अ वेरी बेरिश साइन। और हर बढ़ते वॉल्यूम के साथ जब प्राइस गिर रहा है, इसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक बेच के निकल रहे हैं। तो फॉर द नेक्स्ट फोर्सिएबल फ्यूचर स्टॉक में तेज़ी आने के चांसेस कम है, उल्टा स्टॉक में मंदी हो रही है, हर गिरते दाम पे लोग निकल रहे हैं। तो फॉलिंग प्राइसेस देख के लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और वो लोग स्टॉक में से बाहर निकल रहे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी बेरिश साइन, और इस केस में वॉल्यूम कन्फर्म करता है कि आगे जाके भी ट्रेंड खराब रहने वाला है, मंदी के चांसेस रहने वाले हैं। तो अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है बजाज फिनसर्व। ये मार्च 2020 में जब कोरोना का फॉल आया था उसके ठीक पहले, इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि ये फरवरी के आसपास 3 दिन तक स्टॉक गिरा था और तभी वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ था। इसके बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन आया और फिर वापस जब फॉल शुरू हुआ बड़ा वाला, तब बढ़ते वॉल्यूम के साथ, इनफैक्ट डबल वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में गिरावट आ गई। दैट वॉज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि अभी लोग अपनी डिलीवरी बेच रहे हैं या अपना स्टॉक बेच रहे हैं, पीपल आर नॉट होल्डिंग बैक द स्टॉक। तो लोगों के स्टॉप लॉसेज हिट हो रहे हैं, और इसका ये बहुत ही सटीक उदाहरण या एग्जाम्पल है कि जब वॉल्यूम के साथ अगर कोई स्टॉक गिर रहा हो तो उसमें से निकल जाना बहुत ही बेहतर है। अब इसके बाद बात आती है वॉल्यूम डाइवर्जिंग विद द ट्रेंड। तो यहाँ पे वॉल्यूम ACP प्रद्युमन का रोल करते हैं। तो ये कैसे करते हैं? तो जब प्राइजेस बढ़ रहे हो लेकिन वॉल्यूम गिर रहा हो तो ये एक इंडिकेशन है कि आगे चल के लोग बाइंग इसमें बंद कर दे, और अगर बाइंग बंद कर देंगे तो चांसेस आर के स्टॉक या तो फ्लैट हो जाएगा या तो गिर भी सकता है। तो दिस इज़ अ पॉइंट वेर यू शुड एक्सट्रीमली कॉशन, और यहाँ पे आपको टाइट स्टॉप लॉसेस लगाने हैं या फिर वो स्टॉक में से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर देनी है। तो ये वो जगह है जहाँ पे ACP प्रद्युमन का रोल वॉल्यूम करता है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब ये एग्जांपल है टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स में मार्च 2020 के फॉल के बाद एक काफ़ी अच्छी अपसाइड चालू हो गई और स्टॉक एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में बढ़ना शुरू हो गया। अगर आपने मेरा चैनल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो ऊपर आपको आई बटन प्रेस करने पे मिल जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपको चैनल्स के बारे में और जानना है। तो अब यहाँ पे टाटा मोटर्स अपवर्ड चैनल की जो ऊपर वाली लाइन है उसको क्रॉस करके भी आगे निकल गया था, और उसके बाद वॉल्यूम्स ने इशारा दिया कि वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक जो बाइंग है, बाइंग एंथुजियाज़म है, वो कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। तो जैसे कि आप बाद में देख सकते हो कि ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 months टाटा मोटर्स में इतनी रैली जो पहले आ रही थी वो नहीं आई और स्टॉक स्टेबलाइज हो गया। तो वॉल्यूम ने यहाँ पे पहले ही इशारा दे दिया कि अब यहाँ पे तेज़ी के चांसेस कम है। तो दिस इज़ अ गुड इंडिकेशन फॉर बुल्स टू एग्जिट एंड पार्क दिया प्रॉफिट्स और पार्क दिया मनी समवेयर एल्स। अब इसके अलावा लास्ट चीज़ आती है फॉलिंग प्राइसेस और फॉलिंग वॉल्यूम्स। अब ये काफ़ी कॉमन है मार्केट में, जब भी फॉल होता है तो आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉप जनरली लोग क्या करते हैं कि लोग अपने स्टॉक को जो ट्रेडिंग के लिए लिया था उसको शायद इन्वेस्टमेंट में बदल देंगे या सेल नहीं करते, अपने भाव के आने की राह देखते। तो जनरली जब एक बड़ा सा लंबा ट्रेंड शुरू हो जाता है डाउन ट्रेंड वाला, तो ओवर अ पीरियड वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाते हैं, वॉल्यूम गिर जाते हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में ये जनरली एक मार्केट में ट्रेंड है कि फॉलिंग प्राइसेस जब होते हैं तो उसके साथ वॉल्यूम भी गिर ही जाते हैं। बट व्हेन द वॉल्यूम्स स्टार्ट राइजिंग विदाउट एनी चेंज इन प्राइस या विद लिमिटेड प्राइस इरोशन, तो दैट कुड पॉसिबली एन इंडिकेशन के यहाँ पे अब एक तेज़ी के चांसेस बन सकते हैं। तो चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब ये ग्लेनमार्क का चार्ट है। यहाँ पे ग्लेनमार्क ने दिसंबर 2020 से ऑलमोस्ट मार्च 2021 तक
स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा और तभी आप देख सकते हो कि वॉल्यूम भी गिर ही रहे थे. तो दैट वॉज अ नॉर्मल एक्सपीरियंस विच वी सी ऑल अक्रॉस द मार्केट. जब भी कोई भी स्टॉक गिर रहा हो तो उसके साथ साथ वॉल्यूम भी कम हो जाते हैं. लेकिन मार्च के एंड में आपने देखा कि स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया, दो बार सिमिलर प्राइस लेवल्स को टच करके फिर ऊपर की तरफ गए और उसी प्राइस के आसपास वॉल्यूम्स भी आना शुरू हो गए. तो दैट वाज अ इंडिकेशन कि यहाँ से शायद तेज़ी बन सकती है या यहाँ से एटलीस्ट प्राइस इरोजन तो नहीं होगा. तो वॉल्यूम्स को आप इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे कि मैंने बताया वॉल्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एसीपी प्रद्युमन का रोल प्ले कर रहा है वॉल्यूम. तो सीआईडी सीरियल में जैसे वॉल्यूम हीरो है, वैसे टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन के बाद सेकेंड हीरो है वॉल्यूम. तो इसे आप ज़रूर देखिएगा. तो ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. अब इस वीडियो की हाइलाइट्स देखते हैं. तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमने देखी कि वॉल्यूम गिव्स यू एन इनसाइट अबाउट द ट्रेंड एंड इट्स लाइकली डायरेक्शन अहेड. तो ये कैसे काम करता है, हमने चार सिनेरियोज देखे. इसको मैं सम अप कर देता हूँ. तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था राइजिंग प्राइजेज एंड राइजिंग वॉल्यूम्स. तो जब ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर अ स्टॉक और ये कन्फर्म करता है कि ट्रेंड आगे भी मजबूत रहेगा, आगे भी चलेगा. जब फॉलिंग प्राइसेस और राइजिंग वॉल्यूम्स होता है तो दैट इज़ अ नेगेटिव साइन फॉर अ स्टॉक और ये कन्फर्म करता है कि आगे भी डाउन ट्रेंड चालू रहेगा. फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन था राइजिंग प्राइसेस एंड फॉलिंग वॉल्यूम्स का. दिस इज़ जनरली अ नेगेटिव साइन फॉर द स्टॉक. ये बताता है कि ट्रेंड डाइवर्ज हो रहा है, कि प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है. तो दैट इज़ अ साइन के लोग इसमें से धीरे धीरे खिसक रहे हैं. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट observation and whenever you see this kind of an observation you must at least book partial profits या आपके stop loss को tight कर देना चाहिए. फिर last वाला observation था falling prices and falling volumes. अब normally ये standard practice है कि जब भी stock गिर रहा हो तो volume भी गिरते हैं. तो even this is considered as a negative sign. लेकिन जब भी further price correction आना बंद हो गया, जब price गिरना बंद हो गया और तभी volume भी धीरे धीरे अगर बढ़ना शुरू हो गया तो दैट कुड बी साइन ऑफ अक्यूमलेशन. ये अक्यूमलेशन की बात मैंने आपको अपने एक डाउ थियोरी वाले वीडियो में बताई थी. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अक्यूमलेशन इवन बेटर. तो ये भी एक ट्रेंड डाइवर्जेंस का इशारा करते हैं, लेकिन इसमें आपको वॉल्यूम बढ़ने की राह देखनी है और उसके साथ साथ प्राइस भी फिर से बढ़ने की राह देखनी है. अदरवाइज दिस इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव साइन फॉर द स्टॉक. तो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें भी बेटर ट्रेडर्स बनने में मदद कीजिए. हमारा लक्ष्य है कि हमें 100,000 लोगों तक पहुँचना है. तो इस लक्ष्य को हासिल करने में भी हमारी मदद कीजिए. थैंक यू.